न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान, अलग से कोई टैक्स नहीं लगाएगी सरकार। जनता को अधिक से अधिक राहत देने की कोशिश। कोरोना संकट के इस समय नए निवेश को लेकर उत्तर प्रदेश पूरी तरह है तैयार। उत्तर प्रदेश में अब 1 लाख से ज्यादा बेड की क्षमता वाले लेवल 1, 2 और 3 के अस्पताल। 1 जून से अनलॉक 1 को लेकर जिलाधिकारी ने जारी किया गाइडलाइन। कहा 7 जून तक लॉकडाउन 4 की तरह ही लागू रहेगा। अनलॉक 1 नहीं मिलेगी कोई नई छूट। लॉकडाउन के दौरान झंगा में हुए डबल मर्डर का पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। एसपी नॉर्थ ने कहा 2 मनबड़ गुटों के आपसी वर्चस्व को लेकर बदमाशों ने किया था डबल मर्डर की वारदात। 6 हत्यारोपितों सहित 9 गिरफ्तार, जबकि 3 अभियुक्त अभी भी फरार। कोरोना वायरस संक्रमित एक और मरीज की बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुई मौत। जिले में हुई 6ठी मौत। एक और कोरोना पॉजिटिव पाया गया केस। संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 80, एक्टिव मरीजों की संख्या 55 और डिस्चार्ज हुए 19। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी। 1 जून से चलने वाली 5 ट्रेनों को लेकर रेलवे की तैयारियां पूरी। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने बताया यात्रियों को करना होगा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन। यात्रियों के सुखद और सुरक्षित यात्रा के लिए रेलवे प्रशासन है कटिबद्ध। सदर सांसद ने रविवार को किया अपने संसदीय क्षेत्र का भ्रमण। जंगल कौड़िया के क्वारंटीन सेंटर में किया गया राशन का वितरण। स्वर्गीय हरिद्वार पांडे को दी श्रद्धांजलि। आग लगे फर्नीचर के गोदाम के मालिक से क्या मुलाकात, दिया आश्वासन। गोरखनाथ थाना क्षेत्र के साकेत नगर में शनिवार की रात फर्नीचर के गोदाम में लगी आग में लाखों के नुकसान का अनुमान। सीएफओ ने कहा नहीं हुई है कोई जनहानि, 13 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर रविवार को 6,000 श्रमिकों को लेकर गोरखपुर स्टेशन पहुंची 5 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। 1 मीटर की दूरी के घेरे में खड़ा करके थर्मल स्कैनिंग करते हुए पूरा डिटेल नोट करने के बाद परिवहन निगम की बसों से उनके जिलों को किया गया रवाना। जिले में कहीं भी आग की घटना से निपटने के तैयार है फायर ब्रिगेड। सीएफओ ने कहा शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं तैनात। सूचना मिलते ही होगी आग पर काबू। और लॉकडाउन 4 के अंतिम दिन भूतपूर्व एनसीसी कैडेट के द्वारा रेलवे स्टेशन पर आ रहे प्रवासी श्रमिकों को मास्क, साबुन, नमकीन और लंच के पैकेट किए गए वितरित।